32-35 बच्चे होते हैं एक बैच में, और ये लर्निंग के लिए मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, बैकअप क्लासेस भी है ताकि जो न्यू स्टूडेंट अपना पोर्शन कवर कर ले। मेरे कुछ दोस्त लोग यहाँ पहले से पढ़ते हैं, जैसे जेई का तैयारी व्यारी करते हैं, तो उन्हीं लोगों ने मेरे को सजेस्ट करा था कि यहीं आप आ जाइए। अभी हम लोग हैं एडोराइज इंडिया का बोरिंग रोड वाले सेंटर पे। मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं करियर फिनोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आ चुके हैं पुष्पांजलि पैलेस में। इस इंस्टीट्यूट में आपको दिखाने वाले हैं कि क्या कुछ यहाँ का माहौल होने वाला है, बच्चों से बातचीत करेंगे और यहाँ पे कब तक एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, तो हम लोग आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताते चलूँ, एडोराइज इंडिया के जो फाउंडर मिस्टर राहुल कुमार सर हैं, जो कि एक्स साइंटिस्ट रह चुके हैं DRDO में। तो आप लोग सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट का लोकेशन देखिए, उधर बोरिंग रोड चौराहा है, हाई कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, पुष्पांजलि प्लेस पड़ता है, वहीं पे एडोराइज इंडिया का बोरिंग रोड वाला सेंटर है। अभी हम लोग जाने वाले हैं क्लासरूम के अंदर और यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्लासरूम के अंदर क्या कुछ माहौल होने वाला है। तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग हैप्पी हैं यहाँ से? जी। कब एग्जाम देने वाले हैं आप? 23 में। प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। कितना हैप्पी है आप? बहुत। आप बच्चों को रिकमेंड करेंगे यहाँ पे? यस। तो आप लोग ओवरऑल हैप्पी है ना एडोराइज इंडिया से? यस। बच्चों को बुलाएंगे यहाँ पे? यस। और एग्जाम क्रैक करना है ना? यस। नीट जेई? जेई। कैसे हैं आप लोग? अच्छा। भाई आवाज नहीं आ रही है, कैसे हैं आप लोग? ऐसा लग रहा है एडोराइज इंडिया में ज्वाइन करके? अच्छा। आप किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं? जेई का। जेई का एग्जाम कब देना है? एग्जाम 24 में। ओके। किसी क्लास चल रही है भाई अभी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डाउट के लिए क्या कुछ खास है यहाँ पे? अच्छे डाउट क्लास रहते हैं और उसके बाद सर पूरा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं डाउट के लिए। टेस्ट सीरीज कैसे होती है यहाँ पे? अभी तक हम लोग का कोई टेस्ट हुआ नहीं है, बट हर मंथ एक टेस्ट होता है या वीकली के हिसाब से टेस्ट होता है। कब ज्वाइन किए थे आपका? 2 weeks पहले। 2 weeks पहले बैच भी 2 weeks पहले ही शुरू हुआ है। तो आप लोग अभी फ्रेशर्स हो, राइट? तो कैसा है आप लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पे एडोराइज इंडिया में? बहुत अच्छा। आपको एंट्री करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एडोराइज इंडिया के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। एडोराइज इंडिया का पटना में 3 सेंटर है, बोरिंग रोड, कंकड़बाग और गोला रोड। ओके सर। यहाँ पे जेई मेंस प्लस एडवांस और साथ में नीट की तैयारी कराई जाती है, यानी इंजीनियरिंग प्लस मेडिकल की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे क्लास 7th, 8th, 9th और 10th के बच्चे जो होते हैं उनके कोर्स के साथ साथ में ओलंपियाड की भी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। ओलंपियाड जैसे कि KVPY, NTSC, बायोलॉजी ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, तो इन सारी चीज़ों की बच्चों की यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है। उसके लिए हम लोग जो है कुछ प्रोसेस रखते हैं जिससे बच्चे एडमिशन्स यहाँ आके ले सके। सबसे पहला तो हमारा राइज टेस्ट ऑल ओवर इंडिया में, खास करके बिहार और झारखंड में हुआ था, उसके बेसिस पे हम लोग बच्चे का एडमिशन्स ले रहे हैं और साथ में बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं। ये स्कॉलरशिप 100% तक की स्कॉलरशिप है उनके ट्यूशन फी पे। एडोराइज इंडिया एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे टीचर भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बॉटनी जियोलॉजी ये भी पढ़ाई होता है, लाइब्रेरी भी बहुत अच्छा खासा है यहाँ पे। मतलब जो क्लासेस होती हैं बैच 32-35 बच्चे होते हैं एक बैच में, और ये लर्निंग के लिए मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, बैकअप क्लासेस भी है ताकि जो न्यू स्टूडेंट अपना पोर्शन कवर कर ले, और एक्स्ट्रा क्लासेस भी है जो बच्चे नहीं कर पाए क्लासेस। तो आप हैप्पी हैं यहाँ से? यस। क्लासरूम की माहौल आप लोग एक बार ही नोटिस कर सकते हैं और यहाँ पे बैच साइजेस को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे 32-35 बैच साइजेस होती है एडोराइज इंडिया में। और बात करते हैं इसकी फैसिलिटी की, तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ मिलती है, यहाँ पे साइंस लैब मिलती है आपको और कंप्यूटर लैब भी दी जाती है बच्चों को। क्या एक्सपीरियंस है आपका एडोराइज इंडिया के साथ? अच्छा एक्सपीरियंस हुआ अब तक जितने दिन क्लास। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है आपको यहाँ पे? फैसिलिटी अच्छा खासा है, मतलब नेट कनेक्शन के लिए स्टूडेंट को, लाइब्रेरी है वगैरह वगैरह, लैब है। हैप्पी हैं आप लोग यहाँ से? यस पक्का। अभी आप लोगों ने देखा क्लासरूम टूर और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के। क्या कुछ माहौल है, बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं।
एडवर्टाइज इंडिया के बोरिंग रोड वाले सेंटर पे। इधर दो तीन महीना पहले मैंने ज्वाइन करा। ओके, क्या कुछ एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ के फैकल्टी भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पुराने। कैसे पता चला था आपको एडवर्टाइज इंडिया ज्वाइन करने का? मेरे कुछ दोस्त लोग यहाँ पहले से पढ़ते हैं, जैसे जेई का तैयारी व्यारी करते हैं, तो उन्हीं लोगों ने मेरे को सजेस्ट करा था कि यहीं आप आ जाइए। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। किस का प्रिपरेशन करते हैं आप? नीट का। मैं तैयारी नीट का। कब एग्जाम देने वाले? अगले साल 23 में। हाँ जी। प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। माहौल क्या मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। बच्चों को क्या बताना चाहते हैं आप? मतलब आप लोग यदि कहीं जाना चाहते हैं तो एडवर्टाइज में आइए, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा। यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा तैयारी करने को आपको मिलेगा, यहाँ की फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप हैप्पी हैं? बहुत ज़्यादा। ये ऑफिस है एडवर्टाइज इंडिया का, और मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे 21 एंड 28 को न्यू बैचेज स्टार्ट हो रही है, और स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए यहाँ पे हर एक संडे को एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट हो रही है यहाँ पे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा आज का हमारा एडवर्टाइज इंडिया का टूर। आप लोग एडवर्टाइज इंडिया से जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ज़्यादा बच्चों तक रीच होंगी और बच्चों को पता लगेगा कि एडवर्टाइज इंडिया क्या कुछ बच्चों के लिए खास कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।